गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जयपुर में बहुत बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो हमने सोचा चलिए सांबड़ झील देख कर आया जाए और वहाँ क्या है कैसा है अगर ये जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, हम लोग निकल पड़े हैं जयपुर से अपनी कार से सांबड़ झील के लिए और रास्ता काफ़ी ठीक है, कोई भी रास्ते में इशू नहीं है। अभी तक हाईवे है और बारिश बहुत तेज है और बहुत ही आनंद आ रहा है। जयपुर से 80 किलोमीटर दूर सांबड़ झील और अजमेर रोड से गाड़ी आगे बढ़ रही है और कोई इशू नहीं है, परेशानी नहीं है, मौसम बहुत ही अच्छा है, प्यारा है और जगह जगह शायद कंस्ट्रक्शन है, इसलिए हमको यहाँ थोड़ा सा गाड़ी साइड से निकालनी पड़ी है। और जिसका कि रास्ता बहुत ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है। देखिए, यहाँ से हमने टर्न किया है और ये रास्ता देखिए, ये अंडरपास है, अंडरपास से गाड़ी निकाल ली है। रास्ता ख़राब नहीं है, केवल रास्ता थोड़ा सा हाईवे से हट करके साइड से निकला है मौकमपुरा रोड से, और अंदर से लेकर के आए हैं हम गाड़ी को और कच्चा सा है क्योंकि आगे जो है बाईपास पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रोड पर, तो मुझे लग रहा है ये जब ये काम पूरा हो जाएगा तो सड़कें भी ठीक है ही हैं, लेकिन और भी कोई भी प्रॉब्लम इस पर नहीं होने वाली है। और ये देखिए, इस प्रकार के रास्ते से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और सारा आनंद जो है मौसम का है, मौसम अच्छा है तो आप इस ट्रिप को लॉन्ग ड्राइव की तरह एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस ट्रिप को एज अ लॉन्ग ड्राइव ही कंसिडर किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वी डोंट नो कि हमको वहाँ जाने पर क्या फील होगा, लेकिन फ़िलहाल बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, इस कच्चे रास्ते को तय करके हम बाहर निकल कर आए हैं वापस रोड पर, मौकमपुरा दूदू करके यहाँ लिखा हुआ है, इस रूट पर हम आए हैं और जहाँ से हमने टर्न लिया था वहाँ हमने एक लोकल व्यक्ति को पूछा था, तब उन्होंने ये बताया कि यहाँ से हम सेफली निकल जाएंगे और मौकमपुरा दूदू पर वापस आ गए। और अब ये देखिए, थोड़ा सा है गड्ढा लेकिन मौसम का इशू रहता है ये छोटे मोटे गड्ढे, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गाड़ी को दिक्कत होगी और रास्ता सेफ है, अच्छा है। और ये देखिए, कवर हुआ रास्ता और हम लोग आ गए इस कच्चे रास्ते से निकलते हुए ये रास्ता हमने सारा इसलिए ऐड किया ताकि सराउंडिंग्स का थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। और जैसा मैंने बताया, मौसम बहुत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। अगर मौसम ज़रा भी गर्म होता तो फिर जयपुर में आप कहीं नहीं घूम सकते, मई और जून में तो आप जयपुर में घूम ही नहीं सकते। सिर्फ मौसम ही डिपेंड करेगा कि आपको अच्छा लगेगा या ख़राब लगेगा। तो मौसम अच्छा है तो आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी जर्नी में आनंद नहीं आने वाला है। और हम आ गए हैं मौकमपुरा दूदू और अब चल निकले हैं वापस सड़क पर, और सड़क ठीक है,
और मौसम वैसे ही सुहाना है। इसी रोड पे? इस चौकी पे चौकी। हाँ हाँ इसी पर। यहाँ से फुलेरा 9 किलोमीटर और सांभर 15 किलोमीटर बोड़ा गया, और थोड़ा सा कस्बा के ऐसी सड़कें हैं थोड़ी गड्ढे वड्ढे वाली, लेकिन गाड़ी जा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। और ये देखिए रोड, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस गड्ढे हैं रोड में। और फुलेरा आ गया है और अब बढ़ रहे हैं सांभर झील की तरफ। और ये देखिए ये जगह जगह स्टेशन बने हुए हैं और ट्रैक हैं रेलवे नमक के गाड़ियों को इधर उधर ले जाने के लिए। नमक की ट्रेनें चलती हैं ना? नमक की कहाँ देखी? कहाँ है? दिखाई बोरी, बोरी दिखाई बोरी। हाँ। ये इस प्रकार के 2 अंडरपास हैं और इनको क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम फुलेरा के अंदर ही हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखिए रेल लंगरी है, ये इसको रेल लंगरी फुलेरा लिखा हुआ है। और यहाँ जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसको हेरिटेज के रूप में अब ऐसा लग रहा है डेवलप कर रहे हैं। आगे जगह जगह लिखा हुआ मिल रहा है, जहाँ रोड बन रही है वहाँ मिट्टी पड़ी है। सांभर सॉल्ट लिमिटेड मीटर गेज, यहाँ ट्रेनें चलने के लिए ट्रैक हैं और उस पर नमक को ले जाया जाता है। इधर हम रेलवे लाइन क्रॉस करके फाटक से मुड़ गए और अंदर की तरफ सिटी बहुत ही सुंदर बनने की तैयारी में है। और यहाँ जगह जगह एम हेरिटेज 1-2 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो जान पड़ता है कि भविष्य में इसको हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। अब यहाँ से झील दिखना शुरू हो गई है और यहाँ पानी ही पानी है, और ऐसा नहीं है कि हमको जगह जगह नमक दिखाई देगा जैसा कि हम सोच कर आए थे। और पानी दिख रहा है, हमको लगा था कि कहीं कहीं नमक दिखाई देगा हमको और कहीं सूख रहा होगा, ऐसा नहीं है। और बताया कि थोड़ा और आगे चलने पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे कई सारे जो इन्होंने डेवलप कर रखे हैं। और अभी देखिए हम आ गए हैं फर्स्ट पॉइंट पर, और यहाँ ये एक लंबा ट्रैक है और झील सूखी हुई है, लेकिन ये झील उस तरह से नहीं सूखती जिस प्रकार से हमारे यहाँ मिट्टी सूखती है। और जैसे नमक को अगर हम धूप में सुखाएं तो वो नहीं सूखता है, गिलगिला चिपचिपा रहता है, उसी प्रकार समझ लीजिए कि मिट्टी मिली हुई यहाँ, मान लीजिए नमक मिला हुआ मिट्टी है, तो वो कैसे सूखेगी? तो ये चिपचिपी है और फाइनली वो कभी भी नहीं सूखती। और अब धूप बढ़ गई है तो मैं समझती हूँ कि बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्योंकि अगर धूप आ जाए तो आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम अगर गर्म हो जाता है बीच बीच में तो परेशान होने लगते हैं। और ये देखिए यहाँ सेल्फी वीडियो
और फोटोग्राफी के लिए तो लंबा ट्रैक है, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि वीडियो शूट वगैरह के रेट्स वगैरह, तो शायद यहाँ होता हो। और बाकी देखिए मिट्टी सूखी नहीं है, यहाँ गिलगिली चिपचिपी है, लेकिन नमक आपको नहीं दिखेगा। और अब हम आगे बढ़ गए हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगले पॉइंट को पहुँच जाएंगे थोड़ी देर आगे चलने के बाद। आगे शाकंभरी माता का मंदिर भी है, और उससे पहले आएगा ये सेकंड नंबर का पॉइंट। और आगे सेकंड पॉइंट पर मौसम सारे समय बहुत ही सुहाना रहा है, मात्र थोड़ी बहुत देर के लिए धूप आई है तो फिर एकदम परेशान हो गए हैं। मतलब कि ये है कि हम यहाँ मई जून में तो नहीं आ सकते, वो तो जब बारिश हो रही है, आप जयपुर में ही रहते हैं कहीं आसपास रहते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज़ मई जून में तो इसको अवॉइड ही करना है। और इसका सही सीज़न है अक्टूबर, सर्दियों में जनवरी फरवरी मार्च, तो इन मौसम में, इन महीनों में अगर आप आते हैं सर्दियों में तो यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव के रूप में आ सकते हैं। लेकिन नमक नहीं मिलेगा आपको, सफ़ेद पानी सा दिखेगा। और यहाँ जो हम सेकंड पॉइंट पर आए हैं, यहाँ तो पानी आपको ये देखिए पानी का कलर, और उधर पीछे फैक्ट्री में बन रही है, तो हम एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही नाइस आज का मौसम, बहुत ही सुंदर मौसम है। और देखिए शायद नज़र आ रहा हो, और यहाँ से अभी जो हमने देखा तो पानी पिंक हो रहा है, बहुत ही बदबू आ रही है। इन लोगों ने बताया कि नमक की बदबू है। और ये देखिए सेकंड पॉइंट पर ये ट्रेन चला रखी है जो कि टूरिस्ट के लिए है, और इसका किराया है 1200 रुपये, और ये करीब एक घंटा, इन्होंने बताया कि एक घंटे में आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ नमक बनता है, नमक की क्यारियाँ है वहाँ, मीन्स क्यारियों में पानी भरा हुआ है, प्रोसेसिंग दिखा दिया जाएगा। क्यारी तो क्यारी मीन्स पानी भरा हुआ, क्यारियों में पानी भरा हुआ, और ये दिखा करके लाएगी 1200 रुपये पर हेड। इस प्रकार का एक नमक का टुकड़ा हमको यहाँ, बहुत आगे बच्चे गए तो उन्हें मिला, तो जहाँ नमक मिलता है, नमक बनता है, वहाँ क्यारी में नमक दिखाया जाएगा। और अब हम आगे बढ़ लिए हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन थर्ड पॉइंट को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि ऐसा जो मौसम है वो तो हम कहीं से भी देख सकते हैं, सेम है, ऊपर चढ़ जाएं तो ये मौसम लगभग सेम है, इसलिए हमने इसको थर्ड पॉइंट को स्किप कर दिया है। और हम आगे बढ़ गए हैं माँ शाकंभरी देवी मंदिर पर, और उन्हीं के नाम पर ये सांभर झील, इस जगह का नाम, इस गांव का नाम पड़ा है, और इसकी किंवदंती है, कहानी है ऊपर शाकंभरी माता मंदिर में किस प्रकार से माता ने इस पानी को खारा कर दिया। तो यहाँ बारिश में जब पानी भर जाता है तो वो पूरा टोटल खारा होता है, और फिर वो नमक बनाने के काम आता है। बारिश से पहले ये लोग नमक बना लेते हैं, और फिर इस समय ऑफ सीजन रहता है बारिश में, और जब पानी वापस से बारिश का भर जाता है तब ये सर्दियों में दोबारा नमक बनाया जाता है। और ये नज़ारा आपको शाकंभरी मंदिर तक जाते जाते सब जगह दिख जाएगा, क्योंकि पानी है, वाइट पानी है, सब जगह दिख जाएगा। अब हम शाकंभरी माता के मंदिर में आ गए हैं, और इसका मैंने शॉर्ट डाला हुआ है, आप देख सकते हैं।